दोस्तों इंडिया में 270 टाइप्स की स्पीशीज है सांपों की, जिसमें से 60 सांप ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा वेनमस होते हैं। आज हम उस सांपों के बारे में बात करेंगे जो कि इस 60 में से टॉप 10 में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मृगेन और आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल में। नंबर 10 पर हम बात करेंगे अंडमान पीट वाइपर के बारे में। इस सांप को मैनग्रूव पीट वाइपर, शॉर्ट पीट वाइपर या फिर पर्पल स्पॉटेड पीट वाइपर भी कहा जाता है। ये सांप बहुत ज्यादा वेनमस होता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे ज्यादा मौतें इसी सांप के काटने से होती है, इसीलिए ये सांप हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे हम्प नोस्ड पीट वाइपर के बारे में। ये सांप ज्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है और ये सांप ज्यादातर रात को या फिर सुबह सुबह एक्टिव रहता है। इस सांप की पहचान यही है कि इसका सर ट्रायंगल होता है और ज्यादातर मौतें साउथ इंडिया में इस सांप के काटने से ही होती है। नंबर 8 पे आता है बाम्बू पीट वाइपर। ये सांप इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक की गिनतियों में आता है और ये ज्यादातर साउथ इंडिया में माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। इनकी लंबाई तकरीबन 2.5 फीट तक भी बढ़ जाती है, इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे आता है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे बैंडेड क्रेट के बारे में। ये सांप इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसकी पहचान आसानी से हो जाती है उसकी काली और पीली धारियों की वजह से। और क्रेट की स्पीसीज में बैंडेड क्रेट सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है और ये ज्यादातर कोरल रीफ ऑफ इंडिया या फिर अंडर वाटर पाया जाता है। ये सांप ज्यादातर अंडर वाटर ही रहता है और कभी कभार ही ग्राउंड पे आता है फ्रेश पानी पीने के लिए। नंबर 6 पर हम बात करेंगे पीट वाइपर के बारे में। ये सांप ज्यादातर साउथ वेस्ट इंडिया में वेस्ट कोस्ट या फिर वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा वेनमस होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मौतें पीट वाइपर के काटने से ही होती है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे द स्पेक्टेटेड कोबरा के बारे में। द इंडियन और द स्पेक्टेटेड कोबरा को नाग भी कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा वेनमस स्नेक होता है। इंडिया में कोबरा की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है लेकिन सबसे ज्यादा स्नेक बाइट का कारण स्पेक्टेटेड कोबरा ही है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे द सॉ स्केल वाइपर के बारे में। ये सांप ज्यादातर अपनी बड़ी आंखें और छोटे शरीर की वजह से जाना जाता है और ये ज्यादातर सैंडी एरिया, रॉकी एरिया, सॉफ्ट सॉइल या फिर स्क्रब लैंड में पाया जाता है। ये सांप ज्यादातर फ्रॉग, लिजार्ड या फिर छोटे छोटे टाइप के आर्थ्रोपोड्स को खाता है। इसका जहर बहुत ज्यादा वेनमस होता है, इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे रसल वाइपर के बारे में। ये सांप बहुत ज्यादा वेनमस होता है और इंडिया में ज्यादातर मौतें रसल वाइपर के काटने से ही होती है। ये सांप इंडिया के हर एक कोने में पाया जाता है। इसका जहर इतना वेनमस होता है कि किसी को काटने के तुरंत बाद की उसकी मौत हो सकती है। उसकी एवरेज लंबाई 4 फीट तक हो सकती है और उसका कलर ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है और ये ज्यादातर छोटे बर्ड्स या फिर लिजर्ड को खाता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे इंडियन क्रेट के बारे में। इंडियन क्रेट बहुत ज्यादा वेनमस स्नेक होता है और ये ज्यादातर जंगलों में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इंडिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट का कारण इंडियन क्रेट ही है। इस सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसके काटने के तुरंत बाद की आपको पैरालिसिस हो सकता है और तुरंत मौत भी हो सकती है, इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे किंग कोबरा के बारे में। ये दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है और उसकी लंबाई तकरीबन 5.5 मीटर तक भी बढ़ सकती है। ये सांप ज्यादातर इंडिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा वेनमस स्नेक है और इसीलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है।